कि नया ही हमने पोस्ट इंट्रोड्यूस करा था इसमें, जो कि ट्रेजरर का था, तीन पोस्ट जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, तो वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए, अनअपोज्ड कैंडिडेट दोज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज विनर्स अनअपोज्ड, और जिनमें हाबिल साहब है एडवोकेट हाबिल इकबाल जनरल सेक्रेटरी, एडवोकेट परवेज अहमद मलिक साहब वाइस प्रेसिडेंट, और एडवोकेट बशारत अब्दुल्ला ट्रेजरर पोस्ट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो आज पोल हुए हैं वो है 98 आउट ऑफ 119 वोट्स, जो कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स था जिनमें पोल टोटल हुए हैं 98। और रनर अप कैंडिडेट है हमारे शबीर साहब, जिनके हित में 39 वोट्स हैव बीन पोल्ड। और ये भी बता दूं कि शबीर साहब पिछले तीन इलेक्शन कंसेक्यूटिवली जीते आ रहे हैं, उनके लिए जोरदार ताली अपनी। और जो हमारे नए प्रेसिडेंट होंगे जनाब एडवोकेट गौहर हसन वानी साहब, उनके लिए जोरदार, उन्होंने 55 वोट्स हासिल किए हैं। थैंक यू। जो पहली बात मैं ये कहूँगा कि मैं ये जीत का सहरा यूजुअली जब हम बड़ी तकरीरें सुनते हैं तो अपनी फैमिली को देते हैं, बट आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू डेडिकेट दिस विन टू माय सीनियर्स, जिन्होंने आज बहुत ज़्यादा मेरी जीत में मेरा मतलब साथ दिया है। प्रेसिडेंट का रोल जो यहाँ रहता है वो यूजुअली वेलफेयर अब बाहर ही रहता है, लेकिन एक चीज़ जो हमने देखा है पिछले 5-10 सालों से कि एडमिनिस्ट्रेशन हमसे थोड़ी दूर जाती चली जा रही है। वी विल ट्राई टू क्रिएट अ ब्रिज इन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड बार एंड बेंच, और होपफुली जो हमारे यहाँ शुपियां डिस्ट्रिक्ट है, खासकर टाउन जो हम बहुत पीछे हैं डेवलपमेंट के लिहाज से भी, एटलीस्ट हम चाहेंगे ये कि कोऑर्डिनेशन एक बनाएंगे और एक कमेटी भी हम उसमें क्रिएट करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो मुतालबात होंगे एटलीस्ट इन द लॉन्ग रन डिस्ट्रिक्ट शुपियां को फायदा भी होना चाहिए सी इनफैक्ट दो पार्टीज होती है, तो दो पार्टीज में ये इंसानी फितरत होती है कि जब एक हारती है तो वो कहते हैं शायद इंसाफ नहीं मिला। ऑलवेज कोर्ट्स हैव ट्राइड, दे हैव बीन इनफैक्ट, तो जो जस्टिस का सबसे बड़ा पिलर है, दैट इज वाई अंडर इंटरनेशनल, अगर आप देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आफ्टर मेडिसिन एंड एजुकेशन इट इज द लॉयर्स फ्रेटर्निटी हु इज कंसिडर्ड टू बी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड। तो इंसाफ दोनों को मिलता है। अब एक चीज यह है, किसी इंसानी फितरत होती है, जब वो हारता है अपना केस बोलता है शायद मुझे इंसाफ नहीं मिला।